अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एमएस वर्ड का लेक्चर अटेंड करना है। एमएस वर्ड में मैंने आपको बेसिक टाइप करना, कॉपी पेस्ट करना, अंडू रीडू और कुछ फॉर्मेटिंग फॉन्ट से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज हम इसके पैराग्राफ के टैब को डिस्कवर करेंगे, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम इसको कैसे सेट करते हैं। इसमें से कुछ आप लोगों ने अपनी बुक में भी पढ़ी होंगी। सबसे पहले मैं इस अपने पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। सिलेक्शन के मेथड मैंने आपको बताए हुए हैं, आप कर्सर को रख के क्लिक करके ड्रैग करें। दूसरा मेथड क्या था कि आप शिफ्ट की के साथ एरो बटन प्रेस करें, जितने आप एरो बटन जितना आपने सेलेक्ट करना है। और एक और मेथड कि अगर आपने सारे को सिलेक्ट करना हो तो आप कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल और ए दोनों कीज़ को प्रेस करते हैं, आपका पूरा डॉक्यूमेंट उसमें जितने भी पेजेस होंगे, जितने भी लाइंस होंगी, वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। और ये देखिए कॉपी की जो ऑप्शन है यहाँ पे भी हाईलाइट हो गई है, इसको सिलेक्ट किया मैंने। और जहाँ पे पेस्ट करना है, मैंने नीचे पेस्ट करना है, तो पहले कर्सर को उस जगह पर ले जाएंगे और इसको पेस्ट करते जाएंगे। मैं इसको ज़्यादा सारा पेस्ट कर लेती हूँ ताकि हमारे दो तीन पेजेस बन जाएँ। ये अब आपने देखा कि हमने इसको पेस्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ पे आपको स्टेटस बार पे वो बता भी रहा है, टोटल 105 हम फर्स्ट पेज पे हैं और टोटल 5 पेजेस हैं और 1200 वर्ड्स हैं इसमें। ओके, अब इसमें हमारे पास जो सबसे पहले पैराग्राफ में आ जाता है वो आती है जस्टिफिकेशन, जस्टिफाइड, या उसको आपने पढ़ा होगा अलाइनमेंट के नाम से। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये जो आपका टेक्स्ट है शुरू इस एक पॉइंट से हो रहा है और यहाँ पे एंडिंग जहाँ पे लाइन एंड हो रही है वहीं पे हो रही है। ठीक है, तो हम अपने पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं। तीन मेथड्स हैं हमारे पास, एक लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, एक सेंटर अलाइनमेंट होती है, एक राइट अलाइनमेंट होती है और एक जस्टिफाइड होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट में वो लेफ्ट साइड से अलाइन होता है कि लेफ्ट में सारे वर्ड्स, सारी लाइन्स एक ही पॉइंट में हैं, तो ये इस वक्त लेफ़्ट अलाइन है। तो इसका आइकन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये लाइंस बनी हुई हैं लेफ़्ट अलाइन की। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एल, आप कंट्रोल और एल पे प्रेस करेंगे तो वो लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। सेकंड हमारे पास है सेंटर अलाइन, इसकी शॉर्टकट की क्या है, हमारे पास कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल और ई के बटन को प्रेस करेंगे तो वो इसे सेंटर अलाइन कर देगा, या फिर आप इस सेंटर वाले को सिलेक्ट करेंगे। अब अगर मैंने इस सिर्फ इस एक पैराग्राफ को करना है तो कर्सर मेरा इस पैराग्राफ पे ही है, जब भी मैं अलाइनमेंट करूँगी ये अब आपको नज़र आएगा कि सेंटर्ड अलाइन हो गया है, लेफ्ट और राइट मार्जिन उसके अलाइन नहीं रहे। अगर मैं एक लाइन पे, आप देखिए मैं लाइंस को थोड़ा छोटा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा विजिबल रहे, आपको ये देखें ये जो दो लाइंस हैं ये पूरे पैराग्राफ की। अब इसमें आपने देखा कि ये सेंटर में आ गई हैं, लेफ्ट और राइट से इनके मार्जिन जो हैं वो इक्वल हो गया, इसका जितना लेफ्ट से है उतना ही राइट से है, इसी तरह इसका भी जितना लेफ्ट से है उतना ही राइट से है। तो ये आपके पास सेंटर अलाइनमेंट होती है। अगर मैं इसको लेफ़्ट करती तो आप देखेंगे कि ये लेफ़्ट साइड पर आ गया। इसी तरह राइट अलाइनमेंट में हमारे पास राइट साइड से सारा टेक्स्ट अलाइन होता है, राइट साइड पे इक्वल आ जाता है, लेफ्ट से उसके इक्वल होना ज़रूरी नहीं रहता। लेकिन मोस्टली क्या होता है, हमें अपने टेक्स्ट को या तो लेफ्ट अलाइन रखना होता है या फिर जस्टिफाइड रखना होता है। जस्टिफाइड मीन मैं इसको अगर अंडू कर देती हूँ कंट्रोल जी से, सारे चेंजिंग्स रिमूव हो जाएंगे। तो आपके पास जस्टिफाइड में लेफ़्ट और राइट दोनों मार्जिन्स इक्वली सेट हो जाते हैं। अगर मैं इसको, ये आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, जस्टिफाइड की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल और जे को प्रेस करेंगे या फिर इस आइकन पे प्रेस करेंगे, अब आपको नज़र आएगा कि इसकी लेफ़्ट साइड से भी सारी लाइंस इक्वल हैं, राइट साइड से भी। जिस भी पैराग्राफ को करना है उस पर आप सेलेक्ट करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट को करना है तो आप कंट्रोल ए करेंगे, आपका सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड है। ये देखिए
सारा ऑटोमेटिकली कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट हो गया है और मैं इसको जिस भी अलाइनमेंट में सेट करूंगी वो उसको उसमें सेट कर देगा। इस सारे को उसने जस्टिफाई कर दिया है। सो अलाइनमेंट्स कितने तरह की हैं आपके पास? लेफ़्ट अलाइन जो लेफ़्ट साइड से मार्जिन्स को सेट करता है, सेंटर अलाइन जो लेफ़्ट और राइट को छोड़ के बिल्कुल पेज के सेंटर वाली लोकेशन पे होगा उसको अलाइन करेगा। राइट अलाइन मीन जो राइट साइड से आपके इस कॉर्नर से उसको सेट करेगा। और जस्टिफाई मीन लेफ़्ट और राइट बोथ कॉर्नर्स को आपके जस्टिफाई कर देता है, इक्वल डिस्टेंस पे रख देता है। तो ये आपके पास अलाइनमेंट कहलाती है। ओके, इसके साथ ही आपको एक और आइकन नज़र आ रहा है जो क्या है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि आपके जो ये पैराग्राफ है, जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन सम रिक्वायरमेंट्स एंड व्हेन, अब इन दो लाइंस के दरमियान में कितनी स्पेस होनी चाहिए, इसी तरह हर दो लाइंस के दरमियान में कितनी स्पेस होनी चाहिए, प्लस यहाँ पे आपका एंटिटीज ऑफ सिस्टम पे एक पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है और इससे आगे नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तो आपके पास जो आपका पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है आपके पास और ये सेकंड पैराग्राफ है, इन दो पैराग्राफ्स के दरमियान में कितनी स्पेस होनी चाहिए, ये सारा आप यहाँ से, ये जो आपको एक अपवर्ड डाउनवर्ड एरो नज़र आ रहा है और यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो ये देखें ये लाइन स्पेसिंग है। इसको मैं सिलेक्ट करती जा रही हूँ तो दो लाइंस के दरमियान की स्पेस इंक्रीज होती जा रही है, ये जो आपको स्टार्ट में नज़र आ रही है ये क्या है, दो लाइंस के दरमियान की स्पेस इंक्रीज हो रही है। जिस पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया होगा या जहाँ जिस पैराग्राफ में आपका कर्सर होगा फिलहाल उसी पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये देखें इन दो लाइंस के दरमियान में स्पेस को उसने इंक्रीज कर दिया है। अगर मुझे पैराग्राफ के पास स्पेस इंक्रीज करनी है तो ये देखें ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। बिफोर पैराग्राफ मीन कि यहाँ से जहाँ से आपका पैराग्राफ शुरू हो रहा है इसके ऊपर वो लाइन स्पेस बढ़ा देगा। मैं यहाँ पर कर्सर को प्लेस करती हूँ, अगर ये दो पैराग्राफ आप लें तो मैं यहाँ पे ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो मैं यहाँ पे प्लेस करके ये देखें ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। बिफोर पैराग्राफ जब मैं करूँगी तो उसने इन दो पैराग्राफ्स के दरमियान में स्पेस इंक्रीज कर दिया है। और अगर मैं करूँगी ऐड स्पेस, सॉरी ये रिमूव है, यहाँ जहाँ से आप ऐड कर रहे हैं वहीं से आप रिमूव भी कर रहे होते हैं। सो एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करेंगे, ये जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये दो आप कंबाइन हो गए हैं, एक ये सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम वाला और एक ये। अगर मैं यहाँ पे रख के करती हूँ एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ तो आप देखेंगे कि इन दो पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस ऐड हो गई है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इन दो पैराग्राफ एंड पे स्पेस ऐड करना चाहती हूँ, ऐड हुई हुई है जिसे रिमूव कर देगा। आप रिमूव कर एक दफ़ा जब इस पर क्लिक करते हैं तो रिमूव हो जाती है, दूसरी दफ़ा क्लिक करते हैं तो वो ऐड हो जाती है। ओके, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास आती है, अगर आपने अपने पैराग्राफ में लिस्ट देनी हो, नंबरिंग करनी हो, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये पैराग्राफ है, मैं इसको कहती हूँ कि ये वन है, यहाँ पे जहाँ से इसकी दूसरी लाइन शुरू होती है ये टू है, फिर ये थ्री है और इसी तरह हम इनमें लाइंस ऐड करते रहते हैं। तो अब आपके पास क्या हुआ है, ये लिस्ट आ गई है नंबर्स में जब आप लिखते हैं। इनको आप कहाँ से ऐड करवा सकते हैं, यहाँ पे तो अभी देखें मैंने सिर्फ नंबर्स लिखे थे, उसने ऑटोमेटिकली कर दिया है, मोस्टली ऐसा वो कर देता है। लेकिन अगर आपने नंबर्स नहीं डालने हैं, उसकी जगह कोई सैम्पल डालने हैं, तो उनको आप बोलते हैं बुलेट्स, बुलेट्स एंड नंबरिंग। जहाँ पे आपको ये अलाइनमेंट सैम्पल्स नज़र आ रहे हैं इसी के ऊपर आपको बुलेट्स नज़र आ रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये साइन आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और जो भी सिंबल आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको नज़र आएगा अपनी लिस्ट के साथ।
इनको आप कहते हैं बुलेट्स। सो आप बुलेट्स ऐड करवा सकते हैं यहाँ से कोई भी जो आपको रिक्वायर्ड हो। अगर आपने नंबर देने हैं, सिंबल्स नहीं देने, तो उसके साथ ही आपके पास न्यूमेरिक की नंबर्स की ऑप्शन मौजूद है। और अगर नंबर डिस्प्ले करवाने हैं तो वही मेथड, इसको यहाँ से सिलेक्ट करें। यहाँ पे नंबर्स आपको 1, 2, 3 नज़र आ रहे हैं, ये नंबरिंग हो जाती है। नंबर्स आप इस फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं कि आपके पास 1, 2 और 3 लिखा हुआ है, आपके पास 1, 2, 3 ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है, रोमन में लिखा हुआ है, समटाइम ABC लिखा होता है। तो जो स्टाइल आप सिलेक्ट करेंगे वो आपके पास यहाँ से सेट हो जाएगा। इसके बाद इसी के साथ तीसरी ऑप्शन होती है, समटाइम आपके पास होता है एक मेन हेडिंग होती है, फिर उसके नीचे उसकी सब हेडिंग होती है। जैसे ये ए पॉइंट है, तो मैंने इसके नीचे यहाँ में आगे कुछ और वैल्यूज देनी है। जैसे मैं कहती हूँ यहाँ पे अब ये आपको नज़र आ रहा है कि ये भी अगेन बुलेट एंड नंबरिंग हुई है, बट ये इसके सेम लेवल का नहीं, ये इसके अंदर की सब हेडिंग है, सब नंबरिंग है। तो उसको आप यहाँ से जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग उनको सेट कर देगा। यहाँ से इसने किया है, अब आप के पास ये देखें चेंज लिस्ट लेवल आ रहा है। यहाँ से आप इसका लेवल लिस्ट का चेंज कर सकते हैं कि ये फर्स्ट हेडिंग है, सेकंड हेडिंग है, थर्ड हेडिंग है, एंड सो ऑन। आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन सेट कर देगा। तो ये काम मोस्टली आपको यहाँ से सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, आपने जस्ट यहाँ पे नंबरिंग दी है, उसके अंदर हेडिंग दी है, तो आप इनको यहाँ से ये जो आपको रूलर मैंने बताए थे जो मूव करने के लिए यूज होते हैं, इन पे क्लिक करके ये जो नीचे ये दो एरोज बने और इसके नीचे एक रेक्टेंगल सा है, इस पे आप क्लिक करके जब मूव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट राइट मूव हो जाते हैं, आप इसको सेट कर देते हैं। ओके, इसके बाद ये बुलेट एंड नंबरिंग के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है वो है इंडेंटेशन। ये जो लेफ्ट राइट सेंटर थी ये अलाइनमेंट थी। इंडेंटेशन मीन आपके पास जो ये टेक्स्ट आपने लिखा है, अगर मैं इससे फॉर्मेटिंग को कि मैं इन पैराग्राफ्स पे आ गई हूँ, अगर मैं इस पैराग्राफ को ये जो आपको वाइट स्पेस नज़र आ रही है टेक्स्ट और पेज के स्टार्ट के दरमियान में, इसको आप कहते हैं मार्जिन। अगर आप इस मार्जिन से आगे स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप इंडेंटेशन कहते हैं। इंक्रीज और मूव योर पैराग्राफ फार्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन, इसका मार्जिन इतना है, ये जो आपने सेट किया हुआ है ये इसका मार्जिन है। अगर आप इस मार्जिन से भी आगे टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंडेंटेशन ऐड कर सकते हैं। ये देखें आपके पास पूरा पैराग्राफ फर्दर आगे मूव हो गया है, जितना आप उसे आगे मूव करना चाहेंगे। सो फॉरवर्ड एरो आगे करता जाता है और बैकवर्ड एरो उसको पीछे मूव करता जाता है। अब समटाइम ऐसा होता है कि आपने पूरे पैराग्राफ को नहीं, सिर्फ पहली लाइन जो आपके पास होती है उसको आगे मूव करना होता है। तो आप ये देखें, अच्छा यहाँ से ये फुल को ही कर रहा है, मैं आपको बाकी ऑप्शंस ओपन करके फिर दिखाऊंगी कि हम एक फर्स्ट लाइन को कैसे आगे करेंगे। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन आपने अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, वो आपका लिस्ट पे ज़्यादा अच्छी तरह से अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंटर करती हूँ, मैंने ये नंबर्स बनाए हैं और मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ से सॉर्ट करती हूँ, सॉर्ट बाय पैराग्राफ नंबर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमने इसे कैसे करना है।
मैं इसको ओके करती हूँ। अब देखेंगे कि उसने उन सारे पैराग्राफ्स को अरेंज, ये इंटर जब आप करते हैं नेक्स्ट लाइन आ जाती है, तो उसने उन सारों को क्या किया है, अरेंज कर दिया है। तो ये सॉर्टिंग आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद समटाइम आपके पास ये सिंबल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइंस के स्टार्ट में आए ताकि आपको पता चलता रहे मार्जिन का, तो आप इसको भी ऐड करवा सकते हैं। ये देखें मैंने इसे ऐड किया है, तो हर पैराग्राफ के एंड पे ये बताता है कि यहाँ पे एक पैराग्राफ एंड हो रहा है, उसने एक सिंबल इम्प्लीमेंट कर दिया है। अगर ये डिस्प्ले हो रहा हो, आपने इसे रिमूव करना हो, तो आप यहीं पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है ये आपको एक कलर बॉक्स सा नज़र आ रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इस पैराग्राफ में जो टेक्स्ट है इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर दूँ, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको बैकग्राउंड में नज़र आएगा, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में। ये पेज का बैकग्राउंड नहीं सेट हुआ, ये आपके टेक्स्ट का उसने फिल कर दिया, जो टेक्स्ट के पीछे कलर था उसको चेंज कर दिया। इसी तरह अगर आपने बॉर्डर अप्लाई करने, मैं चाहती हूँ कि ये जो लाइंस लिखी हुई हैं इनके गिर्द बॉर्डर बना हुआ है, तो ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है। बॉटम बॉर्डर करेंगे तो सिर्फ उसके पैराग्राफ के बॉटम पे एक बॉर्डर आएगा, टॉप करेंगे तो पैराग्राफ की टॉप पे एक बॉर्डर आएगा। मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेती हूँ ताकि जो चेंजिंग हो आपको विजिबल होती है। कि मैंने देखें बॉटम बैड किया है तो जो आपका थर्ड पैराग्राफ है उसके एंड पे लाइन आ गई है, टॉप किया है तो उसके टॉप पे, लेफ्ट किया है तो उसके साथ लेफ्ट पे एक लाइन बॉर्डर उसका शो हो गया है, राइट करेंगे तो राइट साइड पे, नो बॉर्डर करेंगे तो कोई बॉर्डर नहीं आएगा, ऑल बॉर्डर करेंगे तो उसके चारों साइड पे एक बॉर्डर बन गया है। अगर आपने अपने टेक्स्ट पे बॉर्डर लगाना है या कोई किसी पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाना है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। कि खुद अगर आपने लाइंस ड्रा करनी है या टेबल, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। इसके बाद सबसे एंड पे आपके पास ऑप्शन आ रही है बॉर्डर एंड शेडिंग की, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो गई है बॉर्डर एंड शेडिंग। ये बेसिकली आपके पूरे पेज को बॉर्डर कर रही है, जो चेंजिंग्स मैं करूंगी वो यहाँ पे आपको शो होती प्रीव्यू में नज़र आएंगी। अब बॉर्डर किस तरह का होना चाहिए, कोई नन या बॉक्स, मोस्टली हम बॉक्स रखते हैं कि पेज के चारों तरफ बॉर्डर आए, शेडो वाला हो या 3D हो, वो हम सेट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं किस तरह का बॉर्डर शो होना चाहिए, और यहाँ से आप उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई टू पैराग्राफ। अब यहाँ से आप सेट कर सकते हैं ये पैराग्राफ ही सिलेक्टेड है तो ये पैराग्राफ पे होगा, ये बॉर्डर आपने सिलेक्ट किया तो अब देखें आपके पैराग्राफ के गिर्द एक बॉर्डर आ गया है जो आपने सेट किया था उसके अकॉर्डिंग। पूरे पेज पे कैसे लगाते हैं ये हम जब पेज लेआउट पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह सीखेंगे। तो ये आपके पास पैराग्राफ की ऑप्शंस थी जिनको हमने एक्सप्लोर किया है। अब इसी तरह जैसे हमने फॉन्ट के इस आइकन पे क्लिक किया था, मैं इस पे क्लिक करूं तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है। इसमें भी वही ऑप्शंस हैं आपके पास जो आपने वहां से सेट किए हैं, अलाइनमेंट क्या रखनी है, लेफ्ट राइट सेंटर्ड या जस्टिफाइड। उसके बाद इसमें भी जो चेंजिंग्स आप कर रहे होते हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। आउटलाइन लेवल क्या होना चाहिए, लेवल 1 का है, लेवल 2 का है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। इंडेंटेशन अगेन लेफ्ट से करनी है, राइट से करनी है। ओके, वहाँ से मैंने आपको इंडेंटेशन करना सिखाया था कि आपने इस आइकन पे, इन दो आइकन्स पे क्लिक करना है, लेकिन आपको जब प्रैक्टिकल में आता है तो वो कहते हैं कि 2.5 लेफ्ट इंडेंट करें या 3.5 राइट इंडेंट करें। तो आपको कैसे पता चलेगा, आप इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू, जैसे अगर 2.5 करना है तो आप इसे इंक्रीज करते जाएं और यहाँ से राइट इंडेंट भी करना है तो आप इसे लाइक 1.1, तो ये आप एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद स्पेसिंग आ गई, सॉरी स्पेशल आ गया है कि अगर आपने फर्स्ट लाइन पे करनी है, फर्स्ट लाइन को ज़्यादा स्पेशल करना है, जो भी आपको मैंने कहा था बताऊँगी कि फर्स्ट लाइन बाकी पैराग्राफ से
थोड़ी आगे होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन की इंडेंटेशन लेफ्ट और राइट से ज़्यादा होनी चाहिए, या आपके पूरे पैराग्राफ पे आपने इंप्लीमेंट नहीं करनी, सिर्फ फर्स्ट लाइन पे करनी है, तो वो यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो करके यहाँ से आप फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ये स्पेसिंग आ गई है। अगेन ये बिफोर एंड आफ्टर जो है ये आपके पास पैराग्राफ की है। अगर वो कहें कि बिफोर पैराग्राफ इतने पॉइंट स्पेसिंग हो और आफ्टर, तो वो भी आप यहाँ पे आके एग्जैक्ट पॉइंट्स ये एरोज से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं इसे इंक्रीज करती हूँ इसको भी, तो ये इतने पॉइंट्स की स्पेस पैराग्राफ से ऊपर और पैराग्राफ के नीचे ऐड कर देगा। इसी तरह ये लाइन स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग आपने वहाँ पे भी देखी थी कि सिंगल, 1.5, डबल, ये एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, ये एग्जैक्टली आप बता सकते हैं। और मल्टीपल, अब आप इस पर जितनी मर्जी लाइन्स की, अगर वो 2, 3, 4 लाइन्स की आपको कहता है, तो वो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे 1.5 मैं इसे ओके करूँगी, तो जो पैराग्राफ जहाँ पे कर्सर था उसने उस सारे को देखें, लेफ्ट इंडेंटेशन, राइट इंडेंटेशन, फर्स्ट लाइन की स्पेशल इंडेंटेशन, बाकी सारा टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, फर्स्ट लाइन आगे से थोड़े स्पेस से शुरू हो रही है, प्लस ये सेंटर्ड लाइन हो गया। इन दो लाइंस के दरमियान में देखें स्पेस कम है, जबकि इन दो लाइंस में स्पेस ज़्यादा है। तो उसने ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने वहाँ से सेट की हैं वो अप्लाई कर दी हैं। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंडेंटेशन अगर आपने मेजर करनी है तो वंस अगेन आप इस एरो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है, मैं इन इंडेंटेशंस को ज़ीरो कर देती हूँ। आप इस पे रख के माउस कीबोर्ड से भी क्लिक कर सकते हैं। ये इंडेंटेशन ज़ीरो हो गई है, सिर्फ फर्स्ट लाइन को हम 2 पॉइंट तक आगे कर देते हैं। ओके, अब आप देखेंगे कि आपके पास फर्स्ट लाइन बाकी पैराग्राफ से डिफरेंट स्टार्ट हो रही है। तो आपके पास सेंटेक्स में आता है ये, जैसे मैं आपको इस पैराग्राफ पे करके दिखाऊं कि वो कहें कि फर्स्ट लाइन को इंडेंट करें 2.5 तक, तो आप क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें या यहाँ पे कर्सर प्लेस करें, क्लिक करें, स्पेशल में जाके फर्स्ट लाइन को, और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर दें 2, तो ये आपके पास फर्स्ट लाइन हो जाएगी। समटाइम ऐसा भी होता है कि फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल उसी प्लेस से शुरू होती है, लेकिन बाकी लाइंस जो हैं वो आपकी इंडेंट होती हैं। फर्स्ट लाइन को आगे नहीं करना, बाकी सबको करना है। उसके लिए भी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप हैंगिंग, फर्स्ट लाइन के बजाय किसको सेलेक्ट करेंगे, हैंगिंग को, और जितनी इंडेंटेशन सेट करनी है। ओके, अब आप देखेंगे फर्स्ट लाइन पहले शुरू हो रही है और बाकी पैराग्राफ की इंडेंटेशन जो है वो चेंज हो गई। सो ये प्रॉपर मेजरमेंट्स जो सेट करनी होती हैं वो आप इस डायलॉग बॉक्स में जाके सेट कर सकते हैं। सो पैराग्राफ सेटिंग आज हमने सारी कर ली है, कल हम इंशाल्लाह इसकी एडिटिंग, फाइंड, रिप्लेस और बाकी टेक्स्ट पे जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो बताऊँगी। आई ट्राई कि हम 3-4 लेक्चर्स में से कंप्लीट कर लें, ताकि मैं आपको आपके एक्सेल जो सेकंड पार्ट है प्रैक्टिकल्स का वो भी करवा दूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।